वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज दीक्षांत शर्मा। होप करता हूँ सारे ठीक होंगे। और हाँ, आज मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने। भाई अराउंड 5 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, पहले कर देना चाहिए था, पर ठीक है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी आए हैं, और जो आ चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया ये उनके लिए भी है। अगर आप बनवाना चाहते हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस, कनाडा में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कितने लेवल होते हैं, वो सब बताऊंगा। आज मैं देने जा रहा हूँ जीवन। तो अराउंड 3 टोटल लेवल होते हैं, जीवन, G2 और G, जो कि लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हमें जीवन देना होता है, जो कि एक सिर्फ नॉलेज टेस्ट होता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं क्या नहीं, पर एक बार समझ लो कैसे होता है। जीवन होता है उसके 8 महीने बाद, जैसे ही आप जीवन क्लियर कर लेते हो 8 महीने बाद आपको G2 का टेस्ट देना होता है। वो आपको यहाँ रोड पे, मतलब जैसे पार्किंग करनी होती है, पैरेलल पार्किंग और डाउन हिल पार्क करना होता है, ये सब होता है उसमें। G2 क्लियर हुआ उसके फिर 1 साल बाद आपको G देना होता है। वो होता है मेन हाईवे पे आपसे गाड़ी चलवाता है इंस्ट्रक्टर, और वो जैसे जैसे कहेगा लेन चेंज वगैरह करने को, वो आपको करनी पड़ेगी। तो टोटल प्रोसेस अराउंड आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे यार कैनेडियन लाइसेंस लेने में। तो ऐसा कुछ सीन है, और आज मैं जा रहा हूँ जीवन देने, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। पर पहले चलते हैं वो साइट पे जहाँ पे मैंने जाके टेस्ट देना है। तो भाई ये जगह होती है ड्राइव टेस्ट, जहाँ पे हम जीवन अपना करते हैं। G2 और G भी यहीं पे वैसे होता है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ रखी हैं, तो यहीं पे ही होगा अभी हमारा जीवन। तो पूछते हैं अंदर जाके टेस्ट में। तो भाई जीवन हो गया क्लियर, 39 out of 40 आए हैं, सही है, एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। और अब बताता हूँ क्या सीन होता है। मतलब जीवन अगर आपको देना है तो टोटल 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट पहले शो करना पड़ता है, जो कि लेवल 1 का टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें 20+20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 साइन के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो ट्रैफिक रूल्स के साइंस होते हैं, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपको, मतलब कि नॉलेज के, जैसे कि आपको इनके बारे में कितनी जानकारी है, 20 साइन और 20 नॉलेज ऐसे होते हैं। और उन 20-20 में से आपको 16-16 ठीक करने होते हैं इंडिविजुअली। जैसे पहले 20 आपसे रूल्स पूछेंगे, उसमें से आपको 16 ठीक करने हैं, और 20 आपको साइन दिखाएंगे, उसमें से आपको 16 ठीक करने हैं। तो ओवरऑल 40 में से आपको 32 चाहिए ओवरऑल पास होने के लिए। तो ऐसे होता है जीवन क्लियर, और मैंने स्कोर किया 39 out of 40। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, और मेरे को एक्सट्रैक्ट मिल गया है। और जो मैं इंडिया से अपना लाइसेंस लेके आया था, उसका मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस था, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस था। तो अब मैं, अगर मेरे को G2 बनवाना है तो मेरे को जीवन से अगले 6 महीने तक की मेरे को डेट मिली है, यानी कि इस जून में मैं G2 भी अप्लाई कर सकता हूँ अपना। तो आप जितना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं उतना बढ़िया रहेगा आपका। अगर तो आपके पास ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जीवन के बाद G2 देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप G के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो आपको अराउंड 8 महीने तक G2 के लिए वेट करना पड़ सकता है। मेरे पास 6 महीने का था, तो मेरे को 6 महीने करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है सारा सीन, अराउंड 1.5 साल आपको लग जाता है, 18 महीने टोटल लगते हैं आपका G तक जाने में, ऐसा कुछ सीन होता है। जीवन मेरा क्लियर हो गया है, G2 मेरा जून में है, और उसके ठीक 1 साल बाद मैं G दे सकता हूँ। और जीवन G2 में ऐसा होता है, अगर आपको कार चलानी है तो आपके साथ एक ऐसा बंदा साथ में बैठा होना चाहिए जिसको 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो, और जो G होल्डर हो, मतलब कि G लाइसेंस हो उसके पास। तो ऐसा होता है 4 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 5 साल का नहीं, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद आप G लाइसेंस ले सकते हैं। और बाकी भी बहुत कुछ अभी आगे बताता हूँ मैं भी, कैसे कैसे एक्सपीरियंस था वहाँ का, कैसा नहीं, कैसे कैसे लोग थे, सब बताता हूँ। ऐसा है कि अगर इफ़ यू वांट टू क्लियर योर G1 लाइसेंस योर फर्स्ट अटैम्प्ट, सो देखो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक दिन पहले यार पढ़ लेना अच्छे से। मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में एक तो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगी, PDF से पढ़ लोगे तो इनफ है। और एक ऐप का लिंक भी दे दूंगा, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है यार, पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। एक दिन पहले मैंने पढ़ा था, और मॉक टेस्ट दिए थे काफ़ी सारे उस ऐप पे, अराउंड 8-9 मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो जितना भी मेरे क्वेश्चंस आए मेरे को, मैंने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका था मैं सारे, जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आए, और वो जो मेरी एक गलती हुई थी वो भी सिर्फ गलत, मतलब मेरे को पता था उसका आंसर, पर पता होते हुए भी एक गलत आंसर को मैंने क्लिक कर दिया था, तो वो उसकी वजह से गलत हो गया, वरना 40 out of 40 होते। और बाकी देख लेना एक बार उस PDF से, गो थ्रू हो लेना, और उसके बाद मॉक टेस्ट उस ऐप पे देख लेना, है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी पास होने में भाई।
बाय गॉड आपको बताता हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। मतलब बहुत जने आ रखे थे वहाँ पे अपना ड्राइविंग टेस्ट देने, G1, G2, G3, ओनली G। तो जो G1 देने आए थे, मैंने कई बंदे ऐसे भी देखे भाई जो 5-5, 6-6 अटैम्प्ट बार बार दे रहे हैं। तो होता है ऐसा कि जैसे आपने $160 पहले फीस मतलब दे दी है, $160 होती है G1 और G2 इंक्लूड करके, 160 देने होते हैं आपको सबसे पहले। और अगर आपका G1 क्लियर नहीं हुआ तो री अटैम्प्ट के लिए आपको $16 देने पड़ते हैं। तो बंदे भाई 5-5 बार वो पेपर दे रहे हैं और $16 पे कर रहे हैं बार बार। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई उसमें, तुम इतना क्यों वो कर रहे हो? या तो पहले अच्छे से पढ़ के आ जाओ। कई बंदे मतलब यार मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, पर कई होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट समझते हैं ना कि हाँ भाई मैं तो निकाल ही दूंगा। वो दे रहे हैं 5-5, 6-6 बार भाई टेस्ट। तो इससे बढ़िया यार एक दिन पहले पढ़ के आ जाओ, 5-6 घंटे पढ़ दोगे ना ये ऐसे टिप्स पे याद हो जाएगा भाई सब कुछ। मतलब अभी भी अगर आप मेरे से पूछोगे ना बताने को भी कौन सा रूल क्या क्या होना चाहिए, तो मेरे को ऐसे याद है। तो ऐसा ही है कि बस एक बार उस PDF से गो थ्रू हो लो, 7-8 बार अपने मॉक टेस्ट दे लो, और अगले दिन आप पेपर के लिए मतलब प्रिपेयर कर, मतलब प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी आप। तो ऐसा सीन है यार। -20 है, फील्स लाइक तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है, बोलना भी मुश्किल लग रहा है इस वक्त। तो हाँ, तो ऐसा कुछ था यार सारा आज का एक्सपीरियंस ओवरऑल, कि सबसे पहला G1 दिया, उसके बाद G2 के लिए अब मेरे को प्रिपेयर करना है। और थोड़े दिन में एक और वीडियो आएगी लाइसेंस को लेके, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा किस चीज़ का लाइसेंस मैं करने वाला हूँ अप्लाई, पर अराउंड 1-2 दिन में मैं वो वाली वीडियो भी डाल दूंगा। सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई भी क्वेरी हो, और इसी के रिलेटेड अगर G1 के रिलेटेड ही कोई क्वेरी हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की जल्दी से जल्दी। ये था आज की वीडियो, में पसंद आई तो लाइक करना, क्वेरी हो तो कमेंट करना, और बाकी ऑल द बेस्ट। शफ़क़ है भाई।